दोस्तों, ये आर एस अग्रवाल का बुक है और इसमें हम लोग फर्स्ट पेज का रेसिडेंट प्रपोजल का प्रश्न माला 12A का बुक हम लोग सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न माला 12A का दोस्तों, एक नंबर यहाँ पर सवाल है, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4 तथा बी अनुपात सी इज इक्वल टू 8:9 हो तो ए अनुपात सी इज इक्वल टू क्वेश्चन में। दोस्तों, इसमें पूछा है ए अनुपात सी का मान कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले निकाल देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 3, बी का मान 4, बी का मान 8, सी का मान 9, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 4 बैठा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 8 बैठा देंगे। दोस्तों, ये इसलिए बैठा है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 ही बैठेगा, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 ही बैठेगा। जो भी संख्या अगर मिडिल में हो तो उसके दहाई में, अगर संख्या कुछ नहीं है तो वो संख्या बैठ जाएगा। तो दोस्तों, ए और सी का मान निकलना है। तो 3×8=24 और 4×9=36, 12×2=24, 12×3=36, 2:3 आंसर होगा दोस्तों, ए अनुपात सी का मान होगा 2:3। दोस्तों, 2:3 इसमें डी नंबर है, ए डी नंबर आंसर सही होगा। दोस्तों, 2 नंबर सवाल देखते हैं, ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4 हो तो ए अनुपात सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, देखिए इसमें इसमें भी ए अनुपात सी का मान पूछा है। तो ए अनुपात बी इक्वल टू सी, ए अनुपात बी इक्वल टू सी। ए का मान 3, बी का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 बैठा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 बैठा देंगे। ए अनुपात सी का पूछा, तो ए का मान 3 और सी का मान 8, तो ए अनुपात सी इक्वल टू 9:8 आंसर। दोस्तों, 3 नंबर आइए सवाल देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 8:9:8, 9:8 डी नंबर में आंसर है, 2 का डी आंसर सही होगा। दोस्तों, 3 नंबर सवाल देखते हैं, यदि W1:W2=2:3 तथा W1:W3=1:2 हो तो W2:W3=2 कितना होगा। दोस्तों, इसमें पूछा है W2:W3 का मान पुटअप करने को बोला है। दोस्तों, W1 का मान 2, W2 का मान 3, W1 का मान 1, W3 का मान 2। दोस्तों, इसके बीच में देखेंगे कि W2 का मान कुछ नहीं है तो W2 को हम लोग साइड में कर देंगे। जैसे W1:W3=W2, क्योंकि दोस्तों ऐसे मान पुटअप हो जाएगा। जैसे W1 का मान 2 और W1 का मान 2 और W2 का मान 3, W1 का मान 1, W1 का मान 2 और W3 का मान, जस्ट एक सेकेंड दोस्त, सॉरी ये गलत हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे W2 का मान सिर्फ एक ही है, तो W2 को फर्स्ट में कर लेते हैं और W3 का मान, W1 का मान बीच में कर देंगे और W3 का मान सेकंड में कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, मान पुटअप हो जाएगा। जैसे W2:W1=W3, W2 का मान 3, W1 का मान 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 बैठा देंगे।
W2 का मान 1 यहाँ पर होगा और W3 का मान 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बैठा देंगे। इसमें पूछा है W2 और W3 का मान, तो W2 का मान 2 × 2 = 4, W2 अनुपात W3 = W2 का मान 3 अनुपात W3 का मान 4, 3 = 4 आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसमें 4 नंबर में 3, 3 नंबर में 3 = 4, ए नंबर 3 का ए होगा, W1 का मान 3 का ए होगा, 3 का ए 3 = 4। दोस्तों आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। चार नंबर सवाल, यदि ए बी इज इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यदि ए बी इज इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसमें एक ये ट्रिक है, इसमें ये है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग इस टाइम पर, यदि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, और इसमें ये दे देगा इसमें से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाहरी राशि का गुणनफल, जैसे बाहरी राशि ए इधर है और इधर से डी है, तो ये बाहरी राशि का गुणनफल इसके साथ और माध्यमिक राशियों का गुणनफल जो बीच में है ये दोनों का आपस में मिलेगा, इसका आंसर आएगा ए अनुपात डी बराबर बी अनुपात सी, बाहरी राशियों का गुणनफल और माध्यमिक राशियों का गुणनफल, ये इसका आंसर होगा। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए इसमें आंसर दिया, इसमें आंसर देखकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सवाल आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हम लोग को 8:A = 8:B, तो दोस्तों ये क्या आंसर होगा, जैसे बाहरी राशियों का गुणनफल 8B 8A, ये तो नहीं हुआ क्योंकि हमको AB = 64 निकालना है, तो इसमें 8B और A 8A ये तो नहीं हो रहा है। जैसे ये बाहरी राशि 4A 16B, ये भी नहीं हो रहा है, ये 8A 8B ये भी नहीं हो रहा है। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये बोला है AB = 64 आना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं 32 × 2 बाहरी राशि का गुणनफल 32 × 64 और A/B, तो दोस्तों ये वाला हमारा सही होगा, 4 का डी ये वाला हमारा सही होगा। जैसे इसमें दिया है 32 A = B/2, तो दोस्तों बाहरी राशि का गुणनफल ये दोनों 32 × 64 बराबर माध्यमिक राशि का गुणनफल AB। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, AB = 64, तो AB = 64 ये रहा आंसर 4 का डी नंबर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा घंटा समय निकलेगा। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।